क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफी। हाँ बताएं क्या हुआ था सर? सर हमें नहीं पता थी, हमारे घर पे इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा छत पे से गिर गया, और हम लोग वहाँ होली फैमिली लेके पहुँचे हैं। होली फैमिली गए तो वहाँ जाके ये वाक्य कब हुआ था? ये वाक्य हुआ था एक हफ्ते पहले का है, एग्जैक्ट तारीख मालूम नहीं है। 22 या 23 तारीख का वाक्य है ये। तो वहाँ जाके हम लोग पहुँचे तो मीडिया वालों, उन्होंने बोला था होली फैमिली वालों ने कि 20-30 हज़ार रुपये जमा कर दो। हमने 20 हज़ार रुपये जमा कर दिए। सुबह हमसे बोलने लगे कि 1.25 लाख रुपये और जमा करो, और 75 हज़ार रुपये दूसरे दिन जमा करने, 4-5 लाख रुपये का खर्चा है और उसकी भी गारंटी नहीं है। तो हमारे गांव के सारे लोग इकट्ठे थे मौजूद, उन्होंने कहा भाई जब ये कंडीशन है तो इसको लेकर ट्रॉमा सेंटर चलें। तो ट्रॉमा सेंटर लेकर नहीं जो हम चले, वहाँ से ट्रॉमा सेंटर वालों ने नहीं लिया। 4 घंटे हम लोग परेशान हुए, कभी सफदरजंग, कभी ट्रॉमा सेंटर, कभी सफदरजंग, कभी ट्रॉमा सेंटर। फिर किसी से जानकारी निकाली, बड़ी मुश्किल से हमने सफदरजंग में हमारा बच्चा एडमिट हुआ। डॉक्टर ने देखती उसकी कंडीशन देखी कि सीरियस हाल है, कि क्या हुआ, ऐसा मारा है किसी ने? कहले कि हमें पता नहीं, ये तो बच्चे की खबर आई है कि गिरा है। खबर कितने बजे आई थी आपको? हमारे पास आई थी 1:30-2 बजे करीब की बात है। आपने तो कहाँ रहते हैं? अजीम डेयरी पे रहते हैं रात के। लेकिन लड़की, ये सुनने में आया था कि लड़की ने कई दफ़ा कॉल करी है, और कई दफ़ा कॉल करने के बाद में इन लोगों ने कुछ कॉल मिस कॉल भी है, कुछ उसके बाद इसे बुलाया गया, बुला के नहीं, मार पीट के नहीं, तब इन लोगों ने फेंका। किस लड़की ने बुलाया उसका हमें बिल्कुल नहीं पता, कौन लड़की है, कहाँ है, ये पता कि तोबा कॉलोनी की कोई लड़की है, दो लड़के हैं, कौन है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता। हम लोग अपने घर पे थे। ये 20 नंबर या 21 नंबर 22 नंबर का किसी का वाकया है, और उन लोग जी। और हम लोगों को जब पता लगी तो हम लोग सीधा होली फैमिली पहुँचे। लड़के का क्या नाम है? मोहम्मद शाहरुख। बाप का नाम मोहम्मद शरीफ। आप कौन लोगे? मैं चाचा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफी। तो भैया इंतकाल कब हुआ बच्चे का? बच्चे का कल हुआ था सर। हाँ यही कोई 3:30 बजे करीब दिन में उन्होंने क्लियर नहीं करा था। कहने लगे ECG करने के बाद में हम डिक्लेयर करेंगे। ECG कोई शाम तलक हुई थी, तब उन लोगों ने डिक्लेयर करा कि आप इसे लेके चले जाओ, पुलिस केस है, इसका पोस्टमार्टम होना है। तो ये एहतजाज किस सिलसिले में कर रहे हैं आप लोग? हमारी कंप्लेंट नहीं लिख रहे थे ये लोग, एक हफ्ते से हमें परेशान कर रहे थे, और ना ही हमारे पास कोई आया। ये लोग ट्रॉमा सेंटर उस लड़की को लेके चले गए बताते हैं जैसे, और हमारे पास ना हमारे बच्चे की कोई खबर लेना है, ना किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन, ना कोई चीज़ खबर। हाँ पहले हमारा बच्चा गहरा था, उसके ये हमें नहीं पता कि बच्चा गहरा है, उनको उसको साथ में फेंका क्या करा हमें नहीं पता इस बारे में। बहरहाल हमारा बच्चे का इन लोगों ने दोनों को लेके गए, हमें नहीं पता उसके बारे में। वही जो भी लड़की होगी वो वहीं की है, सुबह कॉलोनी की, तोबा कॉलोनी है, 22 नंबर जो भी गली है। अब क्या हुआ? अभी ये हुआ कि इन लोगों से जो काफ़ी दिन से कह रहे, जब से कह रहे थे कि भाई हमारी कंप्लेंट लिखो, उल्टा केस इन लोगों ने हमारे पर लगा दिया था। कैसे से भाई वो लोग इस तरीके का केस है।